सब्जेक्ट साइंस क्लास फोर्थ चैप्टर 11 वेदर सीजन्स एंड क्लाइमेट। आगे के पार्ट्स में हमने फर्स्ट व्हाई डी सीजन चेंज के बारे में देखा था। नेक्स्ट पार्ट में हमने व्हाट हैपन्स इन जून, व्हाट हैपन्स इन दिसंबर, इन मार्च एंड सितंबर, यहाँ तक हमने आगे के पार्ट में देख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई क्लाइमेट्स आर डिफरेंट। क्लाइमेट्स मींस जलवायु, वो डिफरेंट अलग अलग क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर, कि क्लाइमेट क्या है एंड वेदर क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेदर मौसम जो है वो कुछ समय ही रहता है, मींस वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। जैसे कि डेली रिपोर्ट हमें टीवी में क्या मिलती है, न्यूज़ में डेली रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ इस स्टेट में क्या है ज़्यादा गर्मी है, इस स्टेट में क्या है थोड़ी कम गर्मी है, इस स्टेट में क्या है बारिश हो रही है। जो डेली रिपोर्ट जो हमें मिलती है डे बाय डे वो चेंज होती रहती है, उसको क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। सुबह बहुत धूप होती है तो शाम को क्या आती है, बारिश आती है। मीन्स दिन में भी क्या होता है, वेदर चेंज होता रहता है। वेदर जो है वो शॉर्ट पीरियड तक ही रहता है। क्लाइमेट जलवायु, जलवायु में लंबे समय तक बदलाव नहीं होते हैं। वेदर जो है वो बदलता रहता है, जबकि क्लाइमेट जो है जलवायु जो है वो धीरे धीरे बदलती है। हमारे इंडिया की बात करें कि हमारे इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है, तो हमारे इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मीन सीजनल क्लाइमेट है। 4 मंथ्स क्या होती है, विंटर सीजन, 4 मंथ समर सीजन, 4 मंथ रेनी सीजन, इस तरह की हमारे इंडिया में क्या होती है, सीजन्स होती है। हमारे इंडिया में 4 मंथ्स रेनी सीजन होती है, मीन्स 4 मंथ्स क्या होती है, बारिश होती है। तो ये 4 मंथ्स हमारे इंडिया में, इस 4 मंथ्स में क्लाइमेट जो है वो कैसा रहता है, वेट रहता है। इसी तरह 4 मंथ्स क्या रहती है, विंटर सीज़न, विंटर सीज़न में क्या होती है, हमें बहुत ठंड लगती है। तो ये 4 मंथ्स जो है विंटर के, जिसमें बहुत ठंड लगती है, मीन्स ये 4 मंथ्स क्लाइमेट कैसा हो रहेगा, कोल्ड रहेगा। इसी तरह 4 मंथ्स क्या चलती है, समर सीज़न, समर सीज़न में क्या होता है, हमें बहुत गर्मी लगती है। जिस मंथ तक समर सीज़न चलती है तब तक हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट रहता है वो कैसा रहता है, वेरी हॉट, एकदम गर्म रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 4 मंथ्स क्या होती है, रेनी सीज़न होती है, मीन्स उस दरमियान क्या आती है, बारिश आती है, तो वो क्या हुआ, क्लाइमेट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 4 मंथ्स जो है वो रेनी सीज़न है तो रोज़ रोज़ बारिश आती रहे, कभी आती है कभी नहीं आती है। मीन्स सुबह दिन में भी ऐसा होता है, सुबह आई तो शाम को नहीं आती है, तो वो हुआ वेदर। आज आई बारिश कल नहीं आई तो वो भी वेदर, सुबह आई शाम को नहीं आई तो वो भी क्या हुआ, वेदर हुआ। लेकिन वो 4 मंथ्स में कभी भी बारिश आ सकती है तो वो हुआ क्लाइमेट, मीन्स वो 4 मंथ्स जो है वो 4 मंथ्स क्या रहती है, रेनी सीजन रहती है। सुबह बहुत धूप होती है एंड शाम को बारिश आई तो वो भी क्या हुआ, वेदर हुआ। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट जो है वो तो सीजनल टाइप क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, वो हमने समझ लिया। लेकिन अदर कंट्री मीन्स दूसरी कंट्री ऐसी भी है कि जहाँ पे पूरा साल जो है वो बर्फ़ ही रहता है, वो कंट्री में स्नो ही गिरता है, मीन्स वो कंट्री का वेदर जो है वो कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। द काइंड ऑफ क्लाइमेट अ प्लेस हैज डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, एक जगह पर किस तरह की जलवायु होती है यह कई चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड्स करता है, निर्भर करता है। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी। पिक्चर में देखिए कि बीच में जो रेड कलर की रिंग दिखाई दे रही है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर का पार्ट जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे का पार्ट जो है वो है सदर्न हेमिस्फीयर।
बीच में जो रेड कलर की रिंग जो है वो क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन हाउ फार द प्लेस इज फ्रॉम द इक्वेटर। किसी स्थान का क्लाइमेट मीन्स जलवायु जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा से कितना दूर है। प्लेसेस नियर द इक्वेटर गेट द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन सो दे आर हॉट। इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास के जो स्थानों होते हैं उस पर सूर्य की किरणें जो होती है वो उसको डायरेक्ट मिलती है, सूर्य की किरणें सीधी मिलती है, इसलिए इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास के जो पास की जो प्लेसेस जो होती है वो क्या होती है, हॉट होती है, गर्म होती है। पिक्चर में देखिए टोरिड जोन जो इक्वेटर के पास का जोन है मींस पास की वो क्या है, प्लेसेस है। टोरिड जोन जो है आप लोग देख सकते हो कि टोरिड जोन में डायरेक्ट रेज येलो कलर की जो पट्टी आप लोगों को दिखाई दे रही है वो क्या है, सूर्य के किरणें है। तो टोरिड जोन में सूर्य के किरणें जो है वो डायरेक्ट उस पर गिरते हैं। आप लोग जानते ही हो कि सूर्य की किरणें जिस स्थान पर सीधे किरणें उस पर गिरते हैं तो वो क्या होती है, वो प्लेस गर्म होती है। तो यहाँ पे भी टोरिड जोन जो है वो जोन पर सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट गिरते हैं, इसलिए ये टोरिड जोन जो है वो क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। इन फैक्ट दे हार्डली हैव एनी विंटर। वास्तव में टोरिड जोन में शायद ही कोई सर्दी होती है, मींस ये जोन में टोरिड जोन जो है उसमें मोस्टली क्या होती है, गर्मी ही होती है, शायद ही कोई ठंडी होती है। प्लेसेस नियर द पोल्स ऑन द अदर हैंड गेट स्लैंटिंग रेज दिस मेक्स दिस प्लेसेस वेरी कोल्ड। दूसरी ओर पोल्स के पास की जगहों पर स्लैंटिंग रेज गिरते हैं, मींस डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ती है, स्लैंटिंग किरणें पड़ती है, इससे ये स्थान मींस वो प्लेसेस जो है वो क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है। आप लोग पिक्चर में देखिए कि चेक ऊपर का पार्ट एंड चेक नीचे का पार्ट जो है वहाँ पे सूर्य के किरणें जो होती है वो स्लैंटिंग रेज में पड़ती है, इसलिए ये दो प्लेसेस जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है। वी डिवाइड द अर्थ इन टू थ्री जोन्स मीन्स एरियाज अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लाइमेट इन दिस एरियाज। हम इन एरियाज में सामान्य जलवायु के अनुसार पृथ्वी को तीन क्षेत्रों में उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। द एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द आर्कटिक। नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के आसपास के एरिया को क्या कहा जाता है, आर्कटिक कहा जाता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि आर्कटिक वो फ्रीजिड जोन है, मींस वो जोन जो है वो हमेशा क्या होता है, ठंडा ही होता है। एंड द एरिया अराउंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द एंटार्कटिक। नॉर्थ पोल दक्षिणी ध्रुव के आसपास के एरिया जो है उसको क्या कहा जाता है, एंटार्कटिक कहा जाता है। ये जोन जो है एंटार्कटिक वो भी क्या है, फ्रीजिड जोन है, मींस ये एरिया में भी क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है। दीज टू पोलर एरियाज आर कोल्ड फ्रीजिड मीन्स कोल्ड जोन्स। आर्कटिक एंड एंटार्कटिक ये दो एरियाज जो है वो क्या है, फ्रीजिड जोन है, मीन्स बहुत ही ठंडे क्षेत्र है। द एरिया अराउंड द इक्वेटर इज कोल्ड द टोरिड जोन। इक्वेटर के आसपास का जो एरिया जो है उसको क्या कहा जाता है, टोरिड जोन कहा जाता है। मींस टोरिड जोन जो है वो इक्वेटर मींस भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, उसके पास का एरिया है, मींस ये जोन जो है वो
कैसा होता है? हॉट जोन होता है, गर्म होता है। द एरियाज इन बिटवीन आर द टेम्परेट जोन्स। बीच का जो एरिया जो है उसको क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन कहा जाता है। टेम्परेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। टेम्परेट का मीनिंग ये है कि न तो बहुत हॉट गर्म एंड न तो बहुत कोल्ड मीन्स ठंडा। टोरिड जोन जो है उस पर सूर्य के किरणे जो है वो डायरेक्ट पड़ते हैं, इसलिए टोरिड जोन जो है वो क्या होता है? बहुत हॉट होता है, गर्म होता है। बीच में जो जोन जो है, एरिया जो है वो क्या है? टेम्परेट जोन है। ये एरिया जो है वो ना तो बहुत ठंडा है ना तो बहुत गर्म है। आर्कटिक एंड एंटार्कटिक ये दो एरिया जो है वो फ्रीजिड जोन है, मींस बहुत ही ठंडे है। हमने आगे देखा कि इक्वेटर भूमध्य रेखा से कोई स्थान जो है वो कितना दूर है, कितना पास है। तो इस तरह से वो स्थान का क्या होता है? क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान की ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो इस हिसाब से वो स्थान, वो प्लेस का क्या होता है? क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स हाइट। किसी प्लेस का क्लाइमेट, उसकी जलवायु जो है वो ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लेस इज इन द हिल्स और द प्लेन्स। इसका मतलब है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह जगह, वह प्लेस जो है वो हिल्स मीन्स पहाड़ियों में है या प्लेन्स मीन्स मैदानी इलाकों में है। द एयर गेट्स कोल्ड एज वी क्लाइंब हायर, सो प्लेसेस इन द हिल्स आर कोल्डर। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो हवा कैसी होती जाती है? ठंडी होती जाती है। इसलिए हिल्स पहाड़ियों में जो प्लेसेस जो होती है, जगह जो होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। दैट इज वाई पीपल गो टू हिल स्टेशंस फॉर देयर समर हॉलीडेज। पीपल लोग जो है वो समर हॉलीडेज मीन्स गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि समर सीजन में हिल स्टेशन पर न तो ज़्यादा गर्मी होती है न तो ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए लोग जो है वो अपनी समर हॉलीडेज मीन्स गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं। दिस प्लेसेस हैव अ टेम्परेट क्लाइमेट विच इज कूलर देन द वार्म क्लाइमेट ऑफ द रेस्ट ऑफ आर कंट्री। हिल्स एरिया मीन्स पहाड़ी एरिया जो होता है उसमें क्लाइमेट कैसा होता है? टेम्परेट मीन्स न तो ज़्यादा ठंडी होती है न तो ज़्यादा गर्मी होती है। जो हमारे देश के बाकी हिस्सों की वार्म क्लाइमेट मीन्स गर्म जलवायु की तुलना में हिल्स एरिया जो है उसमें क्लाइमेट कैसा होता है? कूलर, ठंडा होता है। हमारे देश में समर में प्लेन्स एरिया मीन्स मैदानी इलाकों में क्या होता है? ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन समर में हिल्स एरिया में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है न तो ज़्यादा ठंडी होती है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम विंड एंड रेन के बारे में जानेंगे।